सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा का 41वां वार्षिक उत्सव समारोह बड़ी ही भव्य ढंग से मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर रमेश चंद लखनपाल अध्यक्ष हिम अकादमी मीरपुर हिमाचल प्रदेश उपस्थित हुए। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर अमित पाल प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल उप प्रधानाचार्य विंग कमांडेंट जे एस परमार एवं प्रशासना अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर सचिन वर्मा ने स्कूल प्रांगण में मुख्य अतिथि के पहुंचने पर बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि ने वीर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके की। इस मौके पर विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह गया। समारोह में सब जगह प्रेम सौहार्द्य और भाईचारे की महत्ता को सर्वोपरि रखा गया। मुख्य अतिथि ने इस मौके पर स्कूल की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि सैनिक स्कूल प्रशासन अपने बहुमुखी कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों के चौतरफा विकास और निर्माण की ओर हमेशा से ही अग्रसर रहा है और रहेगा। उन्होंने इस मौके पर स्कूल की विभिन्न उपलब्धियों को मुख्य अतिथि के सामने रखा और पिछले सत्र की अभूतपूर्व उपलब्धियों के बारे में बताया। सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा ने 20 वर्षों के बाद राज्य रक्षा मंत्री ट्रॉफी, जो कि किसी भी सैनिक स्कूल द्वारा सबसे ज्यादा कैडेट्स को एनडीए में भेजने पर मिलती है, को हासिल किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल प्रशासन ने हमेशा बच्चों को एक नई दिशा और उनके चरित्र मार्ग में अमूल्य योगदान दिया है और देता रहेगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने विजेताओं को सत्र 2017-18 की विभिन्न गतिविधियों में अर्जित मान सम्मान रूपी इनाम और ट्रॉफियां प्रदान की। इसमें स्कूल की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी मेजर सुधीर बालिया कॉक हाउस ट्रॉफी से सतलुज हाउस को सम्मानित किया गया। साथ ही सतलुज सदन में शैक्षणिक प्रतिस्पर्धाओं के लिए फ्लाइंग ऑफिसर कार्तिक ठाकुर एवं जीओसी इन सी वेस्टर्न कमांडर ट्रॉफी भी अपने नाम की। रावी सदन ने इस बार एनडीए ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया। सेकेंडरी स्पोर्ट्स ट्रॉफी एवं माइनर गेम्स में इस बार चिनाव सदन ने अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करते हुए ट्रॉफी अपने नाम की। स्कूल के सर्वोत्तम कैडेट के लिए कैडेट विपुल चंद मेमोरियल ट्रॉफी कैडेट अनुराग को दी गई। हम रुकते हैं और ये स्कूल जो जब ये स्थापित हुआ था 1978 उसके बाद अभी तक स्कूल ने काफी बड़ा सफर तय किया है। ना सिर्फ यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं आप उसके तहत बल्कि यहाँ के जो बच्चे जो निकले स्कूल से वो बहुत सारी संस्थाओं में फौजी फौज से लेकर के प्राइवेट संस्थाएं इंक्लूडिंग फॉरेन कंट्रीज में कार्यरत हैं और हमें बड़े फक्र के साथ लेना पड़ रहा है। हम ये फक्र के साथ कहते हैं कि हमारे स्कूल ने जो अपना जो बच्चा आया है अलग अलग जगहों पर वो किसी भी सैनिक स्कूल से बेहतर है। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हमें हमारे स्कूल को ट्रॉफी मिली है, रक्षा मंत्री ट्रॉफी मिली है कि मैक्सिमम हमारे इस बार रिकॉर्ड मतलब लोगों ने एंट्री की है। ये सिर्फ आप जो देख रहे हैं ये जो स्कूल की है इसकी जो देन है। यहाँ पर जो हमने सीखा यहाँ के वातावरण में हमारे टीचर ने हमें जो ग्रूम किया और यहाँ की जो जो भौगोलिक स्थिति जो है इतना अच्छा ग्राउंड है जो ग्रूमिंग हमें मिली है उसी की वजह से हम आज यहाँ हैं। मैंने खुद 28 साल सर्विस में करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मैं आज फिर वापस होमी में शामिल हूँ।